जोहार झारखंड, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों बताते चले, यहां पर जेटेट परीक्षा 2016 के बाद नहीं हुई है, जो कि नियमावली पास होने के चक्कर में आज तक पड़ा हुआ था। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज यहां कैबिनेट से आपकी निकल के आ रही है कि नियमावली जो है कैबिनेट से हो गई है पास और बहुत जल्द अब जेटेट होगा। लेकिन कैबिनेट जो नियमावली से पास हुई है तो उसमें नियमावली में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें जान पाएंगे कि पहले की नियमावली और अभी की नियमावली में क्या कुछ परिवर्तन किया गया है। बताते चले, सबसे बड़ा और अहम परिवर्तन यहाँ पर किया गया है कि जो जेटेट आपका है वो बाहर राज्य के अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे। यानी सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जेटेट को भरने के लिए झारखंड राज्य से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होनी चाहिए अभ्यर्थी को। जो अभ्यर्थी झारखंड राज्य के बाहर पढ़ाई किए हुए हैं और वो अब यहाँ पर जेटेट देना चाहते हैं तो वो एक बार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके पहले जो जेटेट होता था उसमें भारत के नागरिक होते थे और कहीं की भी अभ्यर्थी जो है जेटेट पास करते थे और जेटेट पास करने के बाद वो यहाँ पर नियुक्ति के लिए एलिजिबल थे और वे झारखंड में शिक्षक बन जाते थे। लेकिन अब इसका प्रावधान यहाँ पर समाप्त किया गया है और जेटेट में नए सिरे से यहाँ पर नियमावली को चेंज किया गया है, जिसमें झारखंड राज्य से ही पढ़े हुए अभ्यर्थी अब जेटेट की परीक्षा दे सकेंगे। चलिए, दूसरी बड़ी अहम बदलाव यहाँ पर क्या किया गया है, तो दूसरी बड़ी अहम बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा था कि हर वर्ष जेटेट की परीक्षा दे रहे थे अभ्यर्थी, चाहे वो 2016 में पास हैं, 2012 में पास हैं, उसके बाद भी अभ्यर्थियों की लगातार भीड़ बनी हुई रहती थी, जिसको देखते हुए यहाँ पर एक बार महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जो जेटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है, जो जेटेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है वो 5 साल होती थी, लेकिन उसको अब बढ़ा करके यहाँ पर आजीवन किया गया है, जिसके बाद से यहाँ पर अब आप सभी जेटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जेटेट अब आयोजित होगा। जेटेट आयोजित होने के बाद जो है झारखंड में शिक्षकों की बहाली होगी। तो बहुत दिनों से ये मन में चल रहा है कि पहले जेटेट होगी या पहले झारखंड में शिक्षकों की बहाली होगी, तो अब जैसा कयास लगाया जा रहा है, कैबिनेट से नियमावली जब पास हो गई है तो यहाँ पर पता चल रहा है कि अब सबसे पहले जेटेट का आयोजन होगा। तो दोस्तों, झारखंड में जेटेट से जुड़ी जानकारी, झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी और झारखंड प्राथमिक शिक्षक की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।